जिले में शतक बनाने की ओर बढ़ रहा कोरोना वायरस, रविवार को 3 मामले बढ़ने के बाद कुल संख्या हुई 95। चौरई में अवैध रेत का 2700 घन मीटर भंडार जब्त, राजस्व पुलिस और खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई। चिकनी सपाट सड़क बनी रहवासियों की मुसीबत, कंटेनर गुजरने से मकानों में पड़ रही दरारें। चीन की राखियों को नहीं मिली बाजार में जगह, बहनों का देश प्रेम आया नजर। और जिला पंचायत पहुंचे आर्किटेक्ट मुनीश पंडित ने बताए बावलियों के संरक्षण के नए सुझाव। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिले में कोरोना शतक बनाने के करीब पहुंच चुका है। रविवार को 3 पॉजिटिवों के मिलने के बाद कुल संख्या 92 से 95 हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा शाम 5:30 बजे जारी मीडिया बुलेटिन के अनुसार हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों की संख्या 24 है और अभी भी 311 सैंपलों की रिपोर्ट अप्राप्त है। जिला कांग्रेस द्वारा विगत कई दिनों से जोन प्रभारियों की बैठक आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में आज भी जोन क्रमांक 6 की बैठक चित्रांश भवन में रखी गई, जिसमें संगठन को आगामी समय के नगर निगम चुनाव को लेकर मजबूती प्रदान करने और संगठनों को विस्तार करने को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना, कांग्रेस जिलाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, कार्यवाहक अध्यक्ष जाकिर प्रवेश सहित वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गरीबों की चाहे वो पेंशन की बात हो, चाहे हमारे जो गरीब परिवार हो, विवाह की राशि होती उसको भी राशि बढ़ा दी गई, कितनी राशि कर दी गई। हर क्षेत्र में पेंशन विभाग की राशि, हर क्षेत्र में कमलनाथ जी ने जनता के हित को ध्यान में रखते हुए काम किया। तो बहुत सारे काम हमारे हुए और बहुत सारे काम नहीं हो पाए, उसका मुख्य कारण था कि 10-11 महीने काम करने का समय मिला था। हमारी सरकार के पास बहुत अच्छा बहुमत नहीं था। अक्सर ही चिकनी सड़क की मांग की जाती है, पर सौंसर क्षेत्र में सपाट और बिना अवरोध सड़क ही लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। सौंसर में नागपुर छिंदवाड़ा मार्ग पर वाहन चालकों को बेधड़क गाड़ी चलाने की सुविधा उपलब्ध हो रही है। वहीं इसका खामियाजा भी सड़क किनारे निवास करने वाले सैकड़ों परिवारों, दुकानदारों के वो उठाना पड़ रहा है। साथ ही बड़ी गाड़ियों के कारण इस मार्ग पर रोज दुर्घटनाएं हो रही है। तहसील कार्यालय के सामने फ्लाईओवर के पास से स्थिति और गंभीर बन जाती है। यहां पर बने हुए छोटे स्पीड ब्रेकर से बड़ी गाड़ियों से दुकान मकान से दरारें आज शुरू हो गई हैं। लोग गाड़ियों की स्पीड कम करने और जगह जगह पर स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग कर रहे हैं। ब्रेकर टूटते हैं, एकदम जोर है घुमाना। ये जो कंटेनर जो चल रहे हैं, यहाँ पे भी ब्रेकर है। ब्रेकर की वजह से क्या हो रहा है कि जो ब्रेकर जब से टूटती है गाड़ियाँ, तो आजू बाजू के मकान जो है वो पूरे वाइब्रेट हो रहे हैं और बर्तन वगैरह भी गिर रहे हैं। रात में भी पूरी बड़बड़ आवाज आती है, नींद नहीं हो रही है, इससे पूरे मोहल्ले वाले परेशान। रक्षाबंधन त्योहार को लेकर बाजार सजने लगे हैं। हमेशा चीन की राखियों का बोलबाला रहता है, पर इस बार ग्राहकों ने ही पहले से चीन की राखियों को नकार दिया है। अब देश की रेशम की डोरी और यहीं की बनी राखियां भाइयों की कलाई में बंधेगी। दुकानदारों ने बताया कि शहर के लोग पहले से ही मेड इन इंडिया राखी पूछकर ही खरीद रहे हैं। राखियों का बाजार बहुत कम है और प्लस इसमें जो चाइना से माल आ रहा था, इस बार पूर्णतः व्यापारियों ने उसका विरोध करे हैं। एक भी राखी चाइना की इस बार बाजार में नहीं पहुंची है और चाइना का पूर्णतः विरोध हो रहा है। सभी व्यापारी और जो राखी खरीदने आ रहे हैं वो भी बोल रहे भैया चाइना की राखी तो इस बार नहीं लाए हूँ। सोमवार की देर शाम जिला पंचायत पहुंचे कंजर्वेशन आर्किटेक्ट मुनीश पंडित द्वारा देवगढ़ की बावलियों के संरचना, बनावट और वर्तमान में उनके किए जा रहे संरक्षण के कार्य पर चर्चा करते हुए बताया कि इन्हें सुरक्षित रखने के लिए लगातार प्रयास तो होने ही चाहिए, साथ ही साथ ऐसे वर्कशॉप भी होने चाहिए जिनसे लोगों को जानकारी और संरक्षण करने के बारे में पता चले। आपको बता दें कि जिले के करीब 30 से अधिक बावलियों को जिला पंचायत के मनरेगा योजना के द्वारा परंपरागत तरीके से जीर्णोद्धार किया जा रहा है। चर्चा के दौरान जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश मौजूद रहे। हमें पता है कि हम क्या चीज लोगों को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक बार विजिटर आने लगेगा, फुटफॉल इंक्रीज होगा। लेट्स से फॉर नेक्स्ट 6 महीने के बाद, 6 महीने आप उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसमें गवर्नमेंट की हैंड होल्डिंग चाहिए। जब विजिटर आना शुरू हो जाएगा उसके बाद फिर पंचायत या गवर्नमेंट के साथ कुछ न कुछ एक तालमेल होगा ताकि उसकी एक रेगुलेशन बन सके। आज नगर निगम के राजस्व अमले के द्वारा सतीजा मोटर से शनिचरा बाजार गांधीगंज तक सड़कों के किनारे फुटकर व्यापारियों के द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाया गया और बिना मास्क लगाकर दुकान चलाने वाले 4 दुकानदार पर जुर्माना भी किया गया। महात्मा फुले समिति द्वारा जनहित के कार्यों में समर्पित संस्था श्री राम नाम सेवा समिति को शॉल श्रीफल प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। राज साहू, विकास वात्सल्य, सोनू साहू,
अरुण कुमार गोड से शिवराम सतीश दौड़ के आदि मौजूद रहे। श्री राम मंदिर छोटी बाजार में स्थित प्राचीन पंचमुखी शिवलिंग का सावन माह के तीसरे सोमवार को वैदिक मंत्रोच्चारण, घंटा, शंख, नगाड़ों के साथ भगवान शिव का नर्मदा जल और तीर्थों के जल से अभिषेक किया गया। सत्यधर्म मंडल श्री राम मंदिर समिति के प्रवक्ता कृष्णा सेठिया ने बताया कि भगवान भोलेनाथ ने कोरोना महामारी को समाप्त करने के लिए उनसे तीर्थों के जल से अभिषेक कर प्रार्थना की गई। पूरे सावन माह में सोमवार को होने वाले महादुग्धाभिषेक कार्यक्रम में भगवान की सभी तरह के चंदन, अष्टगंध, भांग, गुलाल, अबीर, बेलपाती से भोले जी का अभिषेक किया गया। इस कार्यक्रम को सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव दिखाया गया। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के पूर्व संभाग और शहर संभाग छिंदवाड़ा और परासिया संभाग के अंतर्गत आने वाले वितरण केंद्रों में आगामी 20 से 23 जुलाई तक विद्युत बिल शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया गया है। संबंधित क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ता इन शिविरों में उपस्थित होकर अपनी विद्युत बिल संबंधी शिकायतों का निराकरण करवा रहे हैं। जेई जितेंद्र कड़वे ने बताया कि वितरण केंद्र चंदनगांव में सोमवार को आयोजित शिविर में 16 शिकायतें आई, जिनमें से 12 बिल सही थे और 4 बिलों में सुधार किया गया। इन सुधार एवं अन्य समस्याओं के निराकरण हेतु शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें कुल 16 नंबर उपभोक्ताओं ने अभी तक अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिसमें से 12 विद्युत बिलों को बिल सही पाए गए, जिनके बारे में उन्हें संपूर्ण जानकारी दी गई, एवं 4 बिल जिनमें सुधार की गुंजाइश थी उनका सुधार कर तत्काल उनकी शिकायतों का निराकरण किया गया। बुलेटिन वक्त चला, छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। IAS, IPS और IFS ऑफिसर बनने के सपने को दीजिए नई उड़ान निदेशी एकेडमी के साथ। अब UPSC, MPPSC और ACF की तैयारी करने के लिए किसी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में है ब्रांड न्यू कोचिंग क्लासेस निदेशी एकेडमी, जहां आपको मिलेगी विदाउट गैप रेगुलर क्लासेस, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल, पर्सनल मेंटरिंग टू ईच स्टूडेंट, डेली स्मार्ट नोट्स मेकिंग, कंप्लीट कवरेज ऑफ एग्जाम्स, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। एडमिशंस ओपन फॉर UPSC 2021 और MPPSC 2020। जल्द संपर्क करें निदेशी एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, मॉडल रोड, ट्राइबल म्यूजियम के पास, छिंदवाड़ा। फोन नंबर 7024903666 और 9958671131। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और बढ़ते अगली खबर की ओर। बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों द्वारा जिलाध्यक्ष ज्ञानेश्वर के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचकर 13 सूत्रीय ज्ञापन राज्यपाल के नाम सौंपा गया, जिसमें दलितों के ऊपर हो रहे अत्याचार सहित कई मुद्दे शामिल रहे। बहुजन समाज पार्टी द्वारा राज्यपाल को ज्ञापन दिया और जो गुना में अन्याय हुआ अनुसूचित जाति अहिरवार परिवार के साथ, उसके साथ चौरे में दमंग आदमी ने एक खेती पे कब्जा किया, वो एक मामला है, और अमरवाड़ा नगर निगम नगर पंचायत का पूरा जो भ्रष्टाचारी हुई, पूरा काला चिट्ठा, मतलब वो 13 सूत्री मांग है, सारी एडीएम कलेक्टर साहब को दिया है। अमान परिवर्तन कार्य हेतु रेलवे द्वारा किसानों की भूमि अधिग्रहण किया गया था। किसान अथवा उनके आश्रित को रेलवे में नौकरी भी देना था। रेलवे द्वारा नौकरी देने में लेट लतीफी को देखते हुए रेलवे जोनल सलाहकार समिति सदस्य सत्येंद्र ठाकुर के द्वारा यह मामला छिंदवाड़ा की बेटी और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल महामहिम अनुसुईया उइके के संज्ञान में लाया गया, जिसके बाद जिले के तत्कालीन प्रभारी सांसद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के सहयोग से 44 हितग्राहियों को रेलवे में ग्रुप डी में नौकरी प्रदान की गई, लेकिन कुछ हितग्राही रह गए थे, जिनमें 14 हितग्राहियों को शनिवार 18 जुलाई को नियुक्ति दी गई है, जो लिंगा, उमरानाला, भीमालगुंडी, सोनपुर, तनसरा, लोधीखेड़ा गांवों से है। मैं सबसे पहले सुश्री अनुसुईया उइके जी एवं जोनल सदस्य रेलवे जोनल सदस्य सत्येंद्र ठाकुर जी का आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके अथक प्रयासों से हमारे कुछ रेलवे भू अधिग्रहण दोस्तों को नौकरी प्रदान की जा चुकी है। अतः हमारे प्रयास, मतलब हमारे द्वारा सत्येंद्र ठाकुर जी एवं अनुसुईया उइके जी को आवेदन कई बार दिया जा चुका है और उनसे आशा करते हैं कि हमारा काम भी जल्द से जल्द कम्प्लीट होगा। पुलिस महानिदेशक संचालक लोक अभियोजन मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा संपूर्ण प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाए जा रहे ग्रीन एंड क्लीन अभियान के तहत सोमवार को कार्यालय सहायक जिला अभियोजन अधिकारी चौरी के द्वारा अभियोजन कार्यालय चौरी को आवंटित भूमि में कुल 15 छायादार और फलदार वृक्षों का वृक्षारोपण किया गया। उक्त कार्यक्रम में अपर सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार वर्गे सहित कई न्यायाधीश और अधिकारी मौजूद रहे। इसी तरह परासिया में भी 23 पौधे तामिया रोड में लगाए गए।
सोमवार को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व चौरई सीपी पटेल, एसडीओपी पुलिस खुमान सिंह, तहसीलदार चौरई और तहसीलदार कैलाश कौल, खनिज निरीक्षण विवेकानंद यादव और दल ने ग्राम सिरस एवं लोनी बैरा में संयुक्त कार्रवाई करते हुए विविध स्थानों पर अवैध रेत के भंडारण जब्त किए, जिसमें लगभग 2700 घन मीटर खनिज रेत जब्त कर अग्रेतर आदेश पर्यंत को सुपुर्दगी में दिया गया, जिसकी कीमत लगभग 20 लाख बताई जा रही है। उस संबंध में कार्यवाही प्रस्ताव आगामी आदेश के समक्ष प्राधिकरण की ओर परिषद करने हेतु तैयार किया जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र बोरगांव में लॉकडाउन के दौरान साहसिक कार्य करने वाले कोरोना योद्धाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। गुलाबराव ताज ने जनस्वास्थ्य सेवा समिति के माध्यम से आयोजित कोरोना योद्धाओं के सत्कार समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में एसडीएम दीपक कुमार वैद्य, डीएसपी एसपी सिंह, तहसीलदार डॉक्टर अजय भूषण शुक्ला, नायब तहसीलदार छविपत, बीएमओ डॉक्टर एन के शास्त्री, सीईओ डी के करपे, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन रामगोपाल द्रविड़, दीपक कुमार हिम्मत रामकर, मोहन ताजने, वामन राव ढोमरे आदि उपस्थित रहे। बताया जा रहा है कि आशा आंगनवाड़ी, कोटवार, पटवारी, सचिव, डॉक्टर, एम्बुलेंस चालक के अलावा अधिकारियों का भी शौर्य शिखर स्मृति चिन्ह देकर स्वागत सत्कार किया गया। वास्तव में कार्यक्रम आज बहुत ही गरिमामय है और इस गोरगांव में कोविड-19 में पिछले 3-4 महीनों में क्या गतिविधियां हुई है, जिसको हालांकि मुझे अवसर में लेकिन यहाँ की गतिविधियों को मैंने जिले में रहते हुए देखा है। फिर तीसरा गीत मैंने जो लिखा और जो गाया था, मुश्किलों के दौर में ये काम किया जाए, मुश्किलों के दौर में ये काम किया जाए, अवैध रूप से गांजा रखकर बेचने के लिए घूम रहे नवाब खान पिता मजीद खान को थाना प्रभारी परासिया सुमेर सिंह जगेत द्वारा गठित टीम ने पकड़कर 3300 रुपए कीमत का 460 ग्राम गांजा जब्त कर धारा 820 एनडीपीसी एक्ट के तहत कार्रवाई की है। पूछताछ करने के बाद गांजा बेचने वाले अफसर पिता शकील खान की भी गिरफ्तारी की गई है। शासकीय महाविद्यालय जुन्नारदेव में हरियाली अमावस्या के पावन पर्व के अवसर पर 24 एमपी बटालियन छिंदवाड़ा के निर्देशानुसार महाविद्यालय परिसर में एनसीसी कैडेटों द्वारा एनसीसी ऑफिसर मोहम्मद आबिद के मार्गदर्शन में और महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर वाई के शर्मा के निर्देशन में पौधरोपण किया गया। इस दौरान महाविद्यालय परिसर में 50 से अधिक फलदार और छायादार पौधे रोपित किए गए। सावन मास के पावन पर्व हरियाली अमावस्या पर पुलिस चौकी डुंगरिया केसरी नंदन हनुमान मंदिर में सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कार्यक्रम पूरी विधि विधान के द्वारा ग्राम के क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा संपन्न किया गया। बड़ी भक्ति लगन के साथ पंडित राधेश्याम द्वारा वेद मंत्रों के द्वारा इसका अभिषेक कराया गया। मध्य प्रदेश सरकार के आदेश अनुसार रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए जुन्नारदेव के डुंगरिया उचित मूल्य दुकान में 2 माह का गल्ला वितरित किया जा रहा है। दुकान संचालक शहजाद अहमद, सेल्समैन बलदेव सहयोगी रमजान भाई द्वारा नियमों के तहत अधिकारियों के आदेश के अनुसार वितरण प्रारंभ कर दिया गया है। नमक, मिट्टी का तेल, अति गरीब कार्ड वालों को शक्कर है ना, ये जुलाई और अगस्त में 2 माह का गल्ला दिया जा रहा है। आप लोग से सबसे निवेदन है, माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार से मैं निवेदन कर रहा हूँ, जो आदेश शासन का आया है उसमें कोविड-19 में आप लोग अपनी अपनी दूरी बना के रखें। जुन्नारदेव में लॉकडाउन के सन्नाटे में बाइक दौड़ती नजर आ रही है। रविवार को लॉकडाउन के आदेश का उल्लंघन करते अधिकांश लोग बाइक से आना जाना करते देखे गए। इस दौरान जनता को कोरोना से सुरक्षित रखने के लिए स्थानीय प्रशासन, एसडीएम मधुवंत राव ध्रुवे, तहसीलदार कमलेश राम नीरज, टीआई राजेंद्र सिंह बिसेन के निर्देशन में पुलिसकर्मियों का अमला मुस्तैदी से गश्त करता रहा। मुखबिर की सूचना पर कुंडीपुरा पुलिस ने थाना प्रभारी के निर्देशन में पुलिस टीम ने सोमवार दोपहर एक काले रंग की एक्टिवा में 2 युवकों को 60 लीटर कच्ची शराब अवैध रूप से ले जाते हुए पकड़ा है। पुलिस द्वारा आरोपी राजेश उर्फ खन्नू बघेल और विक्की निवासी गीतांजलि कॉलोनी की हिरासत में लिया गया है। सोमवार से रात 10 बजे की जगह रात 8 बजे से ही बाजार बंद होने की अफवाहों का विराम लग गया है। सोशल मीडिया में लगातार चल रहे इस मैसेज से आमजन एवं दुकानदार परेशान हो रहे थे, लेकिन यह खबर गलत है। एसडीएम अतुल सिंह ने बताया कि ना तो राज्य शासन से और ना ही जिला प्रशासन से ऐसे कोई आदेश जारी हुए हैं। ऐसा कोई आदेश जिला प्रशासन द्वारा जारी नहीं किया गया है। राज्य शासन से भी ऐसे कोई निर्देश छिंदवाड़ा जिले के संबंध में हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। अभी जो पूर्वक व्यवस्था चल रही थी आज से पहले,
और आज भी वही चलेगी। संडे टोटल लॉकडाउन का जो राज्य शासन का आदेश है उसी के तहत कलेक्टर महोदय ने धारा 144 के तहत संडे को पूरा लॉकडाउन के लिए किया है, प्रतिबंध आदेश जारी किए हैं, वो आदेश यथावत रहेगा और जैसी पूर्ववत व्यवस्था अभी तक बाजार की चल रही थी वैसे ही चलेगी। 8 बजे से लॉकडाउन होने संबंधी प्रतिदिन का कोई ऐसा आदेश जिला प्रशासन द्वारा या राज्य शासन द्वारा छिंदवाड़ा के लिए जारी नहीं किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।